नमस्कार, मैं हूं अंकुश पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्योहार है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धनवंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनवंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। मानव जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य है, इसलिए आयुर्वेद के देव धनवंतरी के अवतरण दिवस यानी धनतेरस पर स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी त्रयोदशी को मनाई जाती है। यहाँ उदय व्यापिनी त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी तिथि सूर्य उदय के साथ शुरू होती है तो धनतेरस मनाई जानी चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में यमराज को दीपदान भी किया जाता है। अगर दोनों दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल का स्पर्श करती है अथवा नहीं करती है तो दोनों स्थिति में दीपदान दूसरे दिन किया जाता है। प्रदोष काल का मतलब होता है कि सूर्यास्त के बाद के तीन मुहूर्त, इसे प्रदोष काल कहते हैं। धनतेरस पर धनवंतरी देव की खोडसोपचार पूजा का विधान है। खोडसोपचार पूजा यानी कि विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना। इनमें आसन, पद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, केसर, चंदन वाली गंध और पुष्प, धूप, दीप, नवेद, आचमन, शुद्ध जल से दक्षिणा युक्त तांबूल, आरती, परिक्रमा आदि है। इसे खोडसोपचार पूजा कहते हैं। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली त्योहार की शुरुआत होती है और धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। इस वर्ष 2022 में धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोने, चांदी और पीतल की वस्तुओं और झाड़ू खरीदना शुभ होता है। हालांकि इस दिन काले या गहरे रंग की चीजें, चीनी मिट्टी से बनी चीजें, कांच, एल्युमिनियम और लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के पीछे जुड़ी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदना चाहिए। जैसे विषम संख्या का मतलब हुआ कि 1, 3, 5, 7 ऐसे खरीदना चाहिए, सम संख्या में नहीं खरीदना चाहिए। हम आशा करते हैं कि धनवंतरी देव की कृपा आप पर बनी रहे और आप निरोगी व स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय श्री राम।